हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा ब्लैक कलर का पर्स। डिटेल में इसको देखिएगा बिल्कुल से। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे ये वीडियो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। ये आज का जो वीडियो होने वाला है, ये ब्लैक कलर का जो पर्स है इसमें कुछ यूनिकनेस है। क्या यूनिकनेस है बिल्कुल ध्यान से देखिए इस वीडियो को और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये यूनिक सा ब्लैक पर्स। साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा हैंडबैग, स्लिंग बैग या शोल्डर बैग, जिस तरीके से भी आप जो भी नाम देना चाहें इसे आप दे सकते हैं। मल्टीपर्पज बैग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। सो बिल्कुल मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहती थी। ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा है, डिफरेंट सा है और इसीलिए मेरा मन था आपके साथ में इसको शेयर करने का। सो आज मैं आपको साथ में ये शेयर करने जा रही हूँ, पूरी डिटेल में बात करेंगे। आपके लिए वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल होता हो तो उसे लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। पहली बार अगर आए हैं आप मेरे चैनल पर तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आपके सब्सक्राइब कर लेने से मेरी यूट्यूब फैमिली भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। देखते हैं इस स्लिंग बैग के बारे में पूरी डिटेल में। ब्लैक एंड कलर है ये, गोल्डन से पूरी डिटेलिंग हो रखी है। गोल्डन कलर का आपको यहाँ पर एक ओपनर मिल जाएगा, ये आपको पूरे जो बीट्स मिल जाते हैं, ये जो नक का काम है ये पूरे गोल्डन कलर का है। ये आप देख सकते हैं स्पार्कल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको ये आराम से ओपन होकर के मिल जाएगी एक इतनी बड़ी सी पॉकेट। इतनी पॉकेट में आप आराम से कुछ भी कैरी कर सकते हैं। आप अपना मनी रख सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं, या फिर एक अलग सी पॉकेट है तो आप इसमें सैनिटाइजर रखने का काम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देख लें तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी पॉकेट और ये है इसकी स्लिंग। ये बहुत ही लंबी सी स्लिंग है, इसकी डोरी है, तो इसको आप चाहे तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट करके आप शोल्डर बैग भी बना सकते हैं। ये इसकी सेकंड पॉकेट है एंड यहाँ पर है छोटी सी कॉइन पॉकेट। तो ये तो नॉर्मल सा है जो स्लिंग बैग जो सभी के पास में होता ही है। इसमें डिफरेंट क्या है, यूनिक क्या है, यूनिक है इसके अंदर ये देखिए, ये आपको तीन हुक्स दिख रहे हैं एंड साथ ही साथ जो इसकी स्लिंग है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये स्लिंग है इस तरीके से, तो ये स्लिंग यहाँ से हो जाएगी ओपन एंड आप इस स्लिंग बैग कम शोल्डर बैग को चेंज करके बना सकते हैं अपने हैंग करने के लिए अपने शोल्डर्स पर। देखिए इस तरीके से निकल जाएगी, जैसे बच्चों का स्कूल बैग होता है दोनों कंधों पर टांग करके बच्चे जाते हैं, उसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छी खासी स्पेस है इसके अंदर, अच्छी खासी इसमें क्वांटिटी आ जाएगी, अच्छा खासा सामान आ जाएगा। सो फॉर ऑल दोस, अगर आप इसको स्लिंग बैग की तरह यूज नहीं करना चाहते हैं तो जस्ट आपको इसको यहाँ पर लगा देना है। मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ एंड ये आपकी बन जाएगी एक बहुत ही अच्छा सा स्कूल बैग काइंड ऑफ थिंग, जो इसको कि आप आराम से यूज कर सकते हैं कैरी करने के लिए। तो अगर बहुत सारा सामान है या फिर आप खुद से ड्राइव करते हैं, टू व्हीलर ड्राइव करते हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, डेफिनेटली आप इन सब चीजों में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरीके का कुछ बैग देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसे देखिएगा। ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था एंड मुझे ये मिला है अराउंड 250 अराउंड मिला है ये मुझे एंड बिल्कुल से आप इसे देखिएगा जरूर। अगर आपके लोकल मार्केट में कुछ इस तरीके की चीज मिल जाती है, ये देखिए ये यहाँ से जला जाएगा ये इस तरीके से पूरा एंड ये यहाँ पर आकर के इस वाले में लुपी में दूसरा ये हुक लग जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका बन जाएगा बिल्कुल वैसा सा बैग जो आप बच्चे जैसे स्कूल में ले जाते हैं दोनों शोल्डर्स पर टांग करके। तो अगर आपने भी इस तरीके से कैरी करना है तो आप इसको इस तरीके से भी कैरी कर सकते हैं, स्ट्रैप लंबा या छोटा कर सकते हैं ऑब्वियसली इससे एडजस्ट करके। तो ये एक सिंगल बैग आपका मल्टी वे पर्पज में आपको यूज हो सकता है। यदि आप इसका ये स्लिंग वाला पार्ट निकाल देंगे तो आप इसको एक पाउच की तरीके से यूज कर सकते हैं, काफी ज्यादा स्पेशियस है। आप इसमें मेकअप का सामान रख सकते हैं, आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है। स्लिंग बैग की तरह यूज करना चाहें आप स्लिंग बैग की तरह यूज कर सकते हैं, आप इसको एडजस्ट करके शोल्डर बैग की तरह यूज करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर आप स्कूल बैग की तरह से यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये मुझे मल्टीपर्पज बैग बहुत ही ज्यादा ऑसम लगा है।
इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी, क्योंकि इसमें कुछ यूनिक सा था, कुछ ऐसा जो मैं पहली बार यूज कर रही थी एंड मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। डेफिनेटली इसका लिंक अगर ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो मैं जरूर से आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अदरवाइज आप भी अपने ऑफलाइन मार्केट में, लोकल मार्केट में जरूर से देखिएगा, आपको इस तरीके की चीजें जरूर से मिलेंगी। ये मेरे लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपके साथ में शेयर किया। आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी इसे यूज कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस इसके प्रोडक्ट के साथ में कैसा है, मुझे जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो जिसमें आपने देखा कि इस यूनिक से ब्लैक कलर के पर्स को जो मैंने परचेज किया है वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल है, कितने मल्टीपल वेज में आप उसको यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कोई इस तरीके की चीजें यूज कर रहा है या आपके पास में भी कोई यूनिक आइडियाज हैं तो बिल्कुल से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।